बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के विरुद्ध मेरे वकील के द्वारा पटना के सीजीएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर के इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी, और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की, और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पिछले दिनों श्री मनोज झा और श्री चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे, उन पर भी मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों पटना के सीजीएम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उन पर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। तो अगर रामानंद यादव में अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें। इस मॉल से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, और मैंने पहले भी घोषणा की थी कि अगर ये मॉल से मेरा कोई भी संबंध होगा तो मैं पूरा का पूरा मॉल उसकी जमीन सहित लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन आज लगभग एक महीना हो गया, आज तक ना वो कोई दस्तावेज ना कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए, और इसलिए उनके विरुद्ध ये मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के विरुद्ध मेरे वकील के द्वारा पटना के सीजीएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी, और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की, और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पिछले दिनों श्री मनोज झा और श्री चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे, उन पर भी मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों पटना के सीजीएम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उन पर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। तो अगर रामानंद यादव में अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें। इस मॉल से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, और मैंने पहले भी घोषणा की थी कि अगर ये मॉल से मेरा कोई भी संबंध होगा तो मैं पूरा का पूरा मॉल उसकी जमीन सहित लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन आज लगभग एक महीना हो गया, आज तक ना वो कोई दस्तावेज ना कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए, और इसलिए उनके विरुद्ध ये मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।